भ्रष्टाचार, कानून, संविधान, शिक्षा, राजनीति, अगर मैं आपको ये कहूं कि इनमें से एक चीज आप चुन लीजिए जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, ताकि देश खुद ब खुद धीरे धीरे अपने आप ठीक राह पर चल पड़े, लोगों को कोई भी समस्या आने वाले समय में ना हो, तो आप कौन सी चीज बदलेंगे? कोई कहेगा आप भ्रष्टाचार पर काम करेंगे, क्राइम पर काम करेंगे, संविधान को बदलेंगे, राजनीति को बदलेंगे, कोई शिक्षा को कहेंगे। अगर एक चीज जिसके बदलने से सब कुछ बदल सकता है, तो वो मेरी नजर में है शिक्षा, एजुकेशन। शायद आपको जानकारी न हो, लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति को तोड़ा था। हमारे देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय अंग्रेजों ने इनको खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए, गुरुकुलों को खत्म करने के लिए 1,00,000 रुपए का फंड दिया था कि हम 1,00,000 रुपए की ग्रांट पास कर रहे हैं ताकि भारत में एजुकेशन दी जाए। अब वो क्या दी गई, कैसे दी गई, वो हम सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक और बात बता देता हूं कि जापान में 6th क्लास तक कोई भी एग्जाम नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 6th क्लास तक वहां के लोग ये समझते हैं कि हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं। जब आप अपने से किसी बड़े से बात करते हैं तो बात कैसे करनी चाहिए, किसी छोटे से बात करते हैं तो कैसे करनी चाहिए। कहीं पर भी आपने समय दिया है और पहुंचना है तो आपको समय से पहुंचना चाहिए। तो ये सब चीजें वहां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा सब कुछ करने लग जाता है, और आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अगर हम नेशनलिस्ट या पैट्रियोटिक लोगों की बात करें, या हम एक तरीके से सभ्य लोगों की बात करें, तो जापान के लोग होते हैं उनमें मैनर्स और एटिकेट्स भरे होते हैं, अपने देश के लिए वो प्यार भी करते हैं। भ्रष्टाचार, जब से जापान आजाद हुआ था आज तक जापान में आपको किसी भी नेता का अरेस्ट वारंट, या मतलब किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मिलेगा। ये सब किस लिए हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि वहां की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ऐसी है, वहां पर आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीना सिखाया जाता है, देश के लिए मरना सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर जिसे बदल दिया जाए तो धीरे धीरे सभी चीजें बदल जाएंगी, और 15-20 साल में जो एक खेप निकल कर आएगी वो देश के लिए वो सब कुछ करेगी जो भी देश में गलत हो रहा है। एक बार हम बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना का उद्घाटन किया है, और उन्होंने कहा है कि पूरे देश में से 14,500 स्कूलों पर यह लागू होगी, और इन स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा ताकि बच्चों को फायदा हो, लाखों बच्चे इसमें पढ़े, और जो समय के साथ बदलाव है वो किए जाएंगे ताकि एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो। इसमें होगा क्या, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 60% जो खर्च है वो केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकारें देंगी। यूनियन टेरिटरीज की बात है, यूटीज की जो बात है, उसमें 90% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब इसमें होगा क्या, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत ये सब हो रहा है, और इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल होगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स होगा। उसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं, वो ये कि इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल हो रहा है, और बच्चों को अब जो टीचर की जगह स्मार्ट क्लासरूम्स, एक हम ये कह सकते हैं स्क्रीन पर पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम भी होगा, और धीरे धीरे वो चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा और देश के लिए कितना अच्छा होगा, जो खेप इसको पढ़कर निकलेगी, इसके बाहर आएगी 10-15 साल में, 20 साल में, वो कैसी होगी? मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी बात का उदाहरण लेते हैं या देते हैं आज किसी भी में हो, तो आप ये कहते हैं कि अमेरिका में तो ऐसा होता है, अमेरिका में तो वैसा होता है, यूरोप में तो ऐसा होता है, और अमेरिका को एक अपर हैंड मान लिया जाता है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट क्लासरूम्स पीएम श्री योजना में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आने वाले समय में स्थापित किए जाएंगे, वो स्मार्ट क्लासरूम्स आज अमेरिका में चल रहे हैं,
और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि आज अमेरिका में उल्टा चैनल है। आज अमेरिका के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इन स्मार्ट क्लासरूम्स वाले स्कूल्स में से निकालकर छोटे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आतुर है और वो ऐसा कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम्स वाले स्कूल से निकालकर छोटे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो एक स्टडी बाहर आई है, एक बड़े लेवल पर स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो 7 घंटे से भी ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों में जो सोचने की क्षमता है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो पावर थी वो कम होती जा रही थी। अगर आप भारत में देखें तो भारत में पहले गुरुकुल चलते थे, आज भी आप अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो थ्योरी पर कम प्रैक्टिकल पर ज्यादा प्रेशराइज करती हैं बच्चों को और ये कहती हैं कि हमें प्रैक्टिकली जो थीसिस है वो लेकर आइए और प्रैक्टिकली इन सब चीजों को आप कीजिए कि ताकि आप इससे निकलकर अपने देश को और इस दुनिया को क्या देंगे हमें वो देखना है। स्मार्ट क्लासरूम्स में ऐसा कुछ नहीं होता। थ्योरेटिकली बेस्ड अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा बाहर निकलकर करेगा क्या? 1947 से लेकर 2022 तक हमारे देश की समस्या ही यही हुई है कि हमने बच्चों को एक क्लासरूम में बांध दिया है, एक 20x20 के कमरे में बिठा दिया है बच्चों को और उन्हें एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। ये कह रहे हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल और आपको यही पढ़ना है। ए फॉर आर्यभट्ट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सभी बच्चों को वही रटवाया जा रहा है। इससे पहले होता क्या था, जब अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए की ग्रांट पास की कि भारत की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए तो क्या हुआ था, उन गुरुकुलों में बच्चे प्रैक्टिकल पढ़ते थे और आज भी प्रमाण है कि वहां पर गुरुकुलों में उस समय एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी। मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमें डेवलप बनना है तो अमेरिका में ऑलरेडी स्मार्ट क्लासरूम्स है तो वहां के लोग अपने बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम्स में निकालकर कम दर्जे के स्कूलों में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? अगर वो इतनी ही प्रभावशाली थी, इतनी ही इफेक्टिव थी तो क्यों मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल्स जो अमेरिका में हो चुका है वहां के लोग अपने बच्चों को वहां से निकाल क्यों रहे हैं? और अगर ये स्कीम, ये पॉलिसी वहां पर फेल हो चुकी है तो भारत इसे क्यों अपना रहा है? ये सवाल है जो मेरे मन में आया और शायद आपके मन में भी आना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे आने वाले समय में इन्हीं स्कूल्स में पढ़ेंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि वो आगे कुआं और पीछे खाई वाले भंवर में फंस जाएं और फिर उनके पास कोई रास्ता न हो। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।